Hello everyone, this is Units and Measurement Part 10. In this part, we are going to do exercise question 3.1 to 3.8. Okay, let's start with the first question. यहाँ पे हमें दो bodies के mass given है. The masses of two bodies are measured to be 15.7 kg. So that means this is the mass Amber and 0.2 kg. तो ये क्या है? इसकी error है. In the same way, जो second body का mass है, that is 27.3. एंड जो इसकी एरर है दैट इज 0.3 के जी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द टू एंड एरर इन इट. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें मास कैलकुलेट करना है. दोनों वैल्यूज हमने लिखी जो मीजर्ड वैल्यू थी. इसके बाद जब मास कैलकुलेट करना है तो दोनों मासेज हैं इनको ऐड कर देंगे. 15.7 प्लस 27.3, यहाँ पे हम एरर को ऐड नहीं करेंगे. एंड जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टोटल एरर कैलकुलेट करनी है. तो हमने क्या किया? एरर वाले पार्ट को ऐड कर दिया. डेल एम वन प्लस डेल एम टू 0.2 0.3 इक्वल टू 0.5 के जी. तो अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पूछा होता डिफरेंस कितना है तो ऑफकोर्स हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, बट यहाँ पे टोटल पूछा हुआ था तो इसलिए हमने क्या किया? ऐड कर दिया. Now come to the next question. The distance traveled by an object in time. तो 100 second is time and the error in time is the 1 second. तो यहाँ पे time is t and जो error है उसको हमने del t से denote किया है. 5.2 plus minus 0.1 meter. जो distance है वो कितना है? 5.2 और इसमें error कितना है? 0.1 meter. तो distance को 5 d से एंड जो एरर है उसको डेल डी से डिनोट कर दिया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एंड इट्स एरर. तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू लिख दी एज इट इज एंड यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दी. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो क्या हो गया? 5.2 बाई 100. जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं वी विल गेट 0.052 मीटर पर सेकेंड. इन द नेक्स्ट हमें एरर कैलकुलेट करनी है. तो देखो बेटा एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरीके से डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं और जब एरर ऐसा हो कि मल्टीप्लिकेशन में हो डिवीजन में हो. नाउ यू कैन सी द एग्जांपल. जैसे मान लीजिए दो वैल्यूज हैं, एक ए प्लस डेल ए एंड द सेकेंड इज बी प्लस डेल बी. और आपको क्या करनी है? मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में है, ओके, एंड आपको क्या करना है? इसकी एरर कैलकुलेट करनी है. तो हमने यहाँ पे एरर को किससे डिनोट कर दिया? डेल जेड बाय जेड से. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी. ओके, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. किस कंडीशन में? अगर एरर मल्टीप्लिकेशन में है और डिविजन में है. तो यहाँ पे क्या है जो फॉर्मूला है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें उसको डिवाइड करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है. स्पीड एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल एस बाय एस से. तो इसको हमने इन शॉर्टकट लिख दिया, डेल एस बाय एस. एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो क्या हो गया? डेल डी बाय डी एंड डेल टी बाय टी. और यहाँ पे डायरेक्टली वी विल पुट द वैल्यूज. ओके, डिस्टेंस डेल डी का वैल्यू कितना है? 0.1. डी का वैल्यू कितना है? 5.2. डेल टी का वैल्यू कितना है? 1. एंड टी का वैल्यू कितना है? 100. And when we will solve it, then we will get 0.029 meter per second. Now come to the next numerical. A electron with charge E. Okay, एक electron है जिसमें charge E है. Enters a uniform magnetic field. वो magnetic field में enter करता है और उस time उसकी velocity कितनी है? V velocity है. आगे ये भी mention है, the velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on charge E is given by F equal to BEV. तो यहाँ पे force की जो इक्वेशन है वो भी गिवन है, BEV. व्हाट इज B? B इज द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज E? इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज V? V इज द वेलोसिटी. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है. हमें क्या ऑब्टेन करना है? हमें डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है B की. तो B की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये वाला पार्ट डिवाइड में कर देते हैं तो वी विल गेट F अपॉन EV. अब वन बाय वन एक एक की हम यहाँ पे डायमेंशन लिखते हैं. तो सबसे पहले फोर्स की लिखते हैं. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की यूनिट क्या होती है? केजी. व्हाट इज एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर केजी एम वन, फॉर लेंथ एल वन, सेकंड स्क्वायर डिवीजन में है तो वो ले गए तो ऊपर टी माइनस टू. इन द सेम वे अब हम सॉल्व करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आई इक्वल टू क्यू बाई टी. अब यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है. इसको टी से डिवाइड किया. व्हाट इज ई? E इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी.
अब देखो यहाँ पे टाइम के लिए तो वन लगा दिया, करंट के लिए हमने लिख दिया आई वन, ओके। तो यहाँ पे आई वन टी वन, क्योंकि करंट को एम एल टी फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो हमने यहाँ पे आई वन से एक्सप्लेन कर दिया, ओके। अब आते हैं वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए यू ऑल नो व्हाट इज वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। तो मास जीरो हो गया, मीटर है तो लेंथ वन हो गई, पर सेकंड है तो टाइम ऊपर जाके माइनस वन आ गया। अब नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज है, तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे m जीरो ही रहा, l वन ही रहा, t इधर वन है इधर माइनस वन है, तो t जीरो हो गया एंड i टू पावर वन। अब ये नीचे डिवीजन में है, इसे ऊपर लेके जाते हैं तो इन्वर्स हो जाएगा, m वन l वन t माइनस टू, यहाँ पर ये चीजें सेम है, ओके। और ये जो l वन है ये ऊपर गया तो माइनस वन में आ गया, इधर i नीचे डिवीजन में है ऊपर गई तो ये इधर माइनस वन आ गया। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट b इक्वल टू m वन l जीरो t माइनस टू i माइनस वन, ओके। यहाँ पे एज यू कैन सी मास के साथ कुछ नहीं है, तो m वन है, l वन इधर माइनस वन प्लस माइनस वन जीरो, t माइनस टू तो t एज इट इज माइनस टू, i की पावर माइनस वन तो इधर माइनस वन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज बॉल 2 meter इन रेडियस इज मेड अप ऑफ रोप, ओके। एक लार्ज बॉल है जो जिसकी रेडियस कितनी है 2 meter है, तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, ओके। तो एक लार्ज बॉल ली जिसकी रेडियस 2 meter है, और आगे ये भी लिखा है कि जो ये बॉल है इसको हमने किससे बनाया है, रोप से बनाया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की रोप होगी, इससे हमने इसको बॉल को बनाया है, ओके। एंड इसके आगे ये गिवन है स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल विद एजेस लेंथ 4 millimeter। तो सबसे पहले हम एक लाइन ये चीज समझते हैं कि कोई लार्ज बॉल है जिसका रेडियस 2 meter है, और अगर हम उसको रोप का यूज करके बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू वॉल्यूम इनक्लोज बाय रोप, ओके। क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, रोप का वॉल्यूम भी और बॉल का वॉल्यूम भी। अब बॉल की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, स्पेयर की होती है, तो हमने स्पेयर का फॉर्मूला लिख दिया 4/3 πr³। अब अगर बात करते हैं हमारी रोप की, तो रोप की शेप कुछ इस तरीके से होगी, ये इसकी कुछ लेंथ होगी और यहाँ पे इसका कुछ एरिया होगा, ओके। अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यहाँ पे 4/3 πr³ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा हमें क्या करना है, इस रोप की लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें इस रोप की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको क्या किया, एरिया इनटू लेंथ लिखा। वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा बट लेंथ को कैलकुलेट करना था, इसीलिए मल्टीप्लाई किया एरिया इनटू लेंथ का। अब नाउ यू कैन कैलकुलेट द लेंथ, यहाँ पे आ गया 4/3 πr³ एंड डिवाइडेड बाय एरिया। अब आर को सॉल्व करते हैं और एरिया को सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई किया, 4/3, यहाँ पे 4/3 आ गया, पाई की वैल्यू पुट अप की 3.14, ओके। इसके बाद हमें सॉल्व करना है आर क्यूब को, तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि जो बॉल की रेडियस है वो कितनी है 2 meter, यहाँ पे 4/3 πr³ लिखा है ना, तो बॉल की रेडियस कितनी गिवन है 2 meter, तो यहाँ पे 2 पुट अप कर दिया, क्यूब है तो 2 3 times आ गया। अब सॉल्व करते हैं एरिया, तो देखो एरिया को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी एजेस लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है 4 millimeter, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इज 4 millimeter है, तो कितना हो गया 4 × 10⁻³, अगेन वी कैन राइट 4 × 10⁻³, ठीक है। एंड इसको 4 को मल्टीप्लाई किया 16, जो पावर्स है ऐड हो गई 16 × 10⁻⁶, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया की वैल्यू पुट अप कर दी, एंड इन दिस वे वी कैन गेट अवर आंसर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर रेडियस हर एज डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर, एक न्यूक्लियर रेडियस गिवन है, इसको ये बता रखा है कि जो किस पे डिपेंडेंट है, मास नंबर पे डिपेंडेंट है, और उसका फॉर्मूला भी गिवन है। आगे यहाँ पे मास नंबर की वैल्यू भी गिवन है 125, एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एज इट इज ए की वैल्यू पुट अप कर दी 125 1/3। अब देखो इसको 125 को वी कैन राइट 5 to power 3, बिकॉज हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं, बट दैट विल बी ईजी फॉर अस। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, एंड नीचे हमें इक्वेशन मिली, हम डायरेक्टली 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.5, क्योंकि 1.3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, एंड 10 to power 16, ओके। 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 0.65 × 10 to power -50।
That's why we can get order of magnitude. It is 10 to power minus 5. This question is based on the percentage error. तो देखो जब भी percentage error calculate करनी है तो सबसे पहले हम mean error को calculate करते हैं. Mean error को calculate करने का क्या मतलब है? जितनी measured value है उनका mean निकालना. After that we will calculate the absolute error. जितनी measured value है उतने number ही absolute error होती है. मीन एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर मिली है आपको उनका मीन निकालेंगे. देन रिलेटिव एरर, देन परसेंटेज एरर. तो जब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है तो ये जो पूरा पार्ट है ये पांच प्रोसेस के अंदर सॉल्व होता है. इवन इनकेस आपको तीन वैल्यूज भी दे रखी हो सॉल्व करने की, बट वी हैव टू अप्लाई द फाइव प्रोसेस. लेट्स स्टार्ट विद इट. इट जस्ट एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन गिवन है. इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट with vernier calipers having a least count 0.01 centimeter. That is okay. For four such measurement of the length yields of the following values. तो हमें देखिए यहाँ पे चार measured value given है. 3.11, 3.13, 3.14 and 3.14. तो ये चारों measured value हमने यहाँ पे लिख दी. And आपको calculate करना है mean length, mean absolute error and percentage error. Of course हमें पांचों की पांचों चीजें calculate करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मीन लेंथ कैलकुलेट करते हैं. सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे और किसका डिवाइड कर देंगे? 4 का डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया? 4 का डिवाइड कर दिया. ओके, तो जैसे ही आप इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 3.11, 3.13, 3.14 एंड 3.14 में इनको ऐड करने के बाद वी विल गेट इट 3.13 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर. तो देखो बेटा एब्सोल्यूट एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कि देखो यहाँ पे चार मेजर्ड वैल्यू है तो हमें चार एब्सोल्यूट एरर ही मिलेगी. जो ये मीन वैल्यू निकाली है इसमें से हमें जो मेजर्ड वैल्यू है उसको माइनस करना है. तो हमारी मीन वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3.13. और A1 के लिए मेजर्ड वैल्यू क्या है? 3.11. तो देखो यहाँ पे डेल A1 कैलकुलेट किया. जैसे कि शो कैसे करते हैं एब्सोल्यूट एरर को? डेल से शो करते हैं. हमें 1 के लिए निकालना है तो हमने लिखा डेल A1. ओके, तो 3.13 में से 3.11 माइनस किया तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर. फॉर सेकंड एब्सोल्यूट एरर हम 3.13 में से 3.13 को माइनस करेंगे तो 0 आया. डेल A3 के लिए, थर्ड एब्सोल्यूट एरर के लिए, 3.13 में से 3.14 को माइनस करेंगे तो 0.01 आएगा. एंड डेल A4 के लिए हम 3.13 में से 3.14 को माइनस करेंगे तो 0.01 आएगा. Now you can think about this कि 3.13 में से 3.14 को माइनस किया तो माइनस का साइन आना चाहिए था. बट सी इट केयरफुली, यहाँ पे हर जगह हमने मोड का साइन लगाया है. तो चाहे आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो, चाहे छोटी में से बड़ी वैल्यू को माइनस करो, आपको ऑलवेज ही पॉजिटिव साइन मिलेगा. ओके, तो ये आ गई एब्सोल्यूट एरर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर के अंदर क्या करेंगे? हम ये चारों जो वैल्यूज आई है इनका मीन निकालेंगे. व्हाट आई मीन टू से, इन चारों को ऐड किया एंड 4 से डिवाइड कर दिया. बिकॉज 4 वैल्यूज थी तो ये हमारी वैल्यूज आ गई एंड देन हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया. इसके बाद है रिलेटिव एरर. अब देखो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर. ओके, तो यहाँ पे हमने ये मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी निकाली है? 0.01. एंड इसी के साथ हमने जो मीन एरर है वो कितनी निकाली है? 3.13. तो हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर. एंड फॉर द परसेंटेज एरर वी विल मल्टीप्लाई बाय 100. तो कितना आया? 0.319 से, जिसको हम 0.32 भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग मास 60 प्लस माइनस 0.1 मूविंग विद द वेलोसिटी 25 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो हमें यहाँ पे बॉडी का मास गिवन है, ठीक है, 60 प्लस माइनस 0.3. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मास एंड दिस इज द एरर. 0.3 इज द एरर, दिस इज द डेल एम. ओके, तो इसको आई कैन राइट m1 एंड दिस इज द m. इन द सेम वे वेलोसिटी के लिए दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द डेल v, क्योंकि ये एरर है. अब देखो यहाँ पे अगर हमें काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करनी होती तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हाफ एम वी स्क्वायर से. बट हमें क्या करना है? यहाँ पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है. तो वी विल टेक दिस फॉर्मूला बट डायरेक्टली वैल्यूज नहीं पुट अप करेंगे. ऐसा नहीं कि मास की जगह मास पुट अप कर दिया और वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, नहीं. क्योंकि अभी हमने देखा था, क्योंकि जब एरर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में होती है तो उसके लिए हम ये वाले इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे आ गया डेल एम बाय एम. व्हाट इज डेल एम? 0.3. व्हाट इज एम? दिस इज 60.
आगे प्लस टू एल वी, क्योंकि यहाँ पे वी क्या है, स्क्वायर में है, और जब भी कोई चीज स्क्वायर में या पावर की फॉर्म में होती है, मतलब आपको पावर मिलेगी, तो पावर क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे डेल वी के आगे क्या आ गया, टू आ गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल वी, इज द 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय वी. वी का वैल्यू क्या है, 25 है. तो यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आवर आंसर इज 1.3%. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ओम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वर फाउंड टू बी 6.12, 6.09, 6.22 एंड 6.15. तो ये हमें रेजिस्टेंस की चार वैल्यूज मिली है, हमने एज इट इज लिखा. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट रिलेटिव परसेंटेज एरर, बट वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज. ओके, तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज लिखी, टोटल 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर दिया. इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, 6.145 में से पहले 6.12 को माइनस करेंगे, दैट इज द डेल आर वन. डेल आर टू के लिए 6.145 में से 6.09 को सॉल्व करेंगे. डेल आर थ्री के लिए इसमें से 6.22 को माइनस करेंगे एंड डेल आर फोर के लिए 6.145 में से 6.55 को माइनस करेंगे. आगे मोड का साइन लगाएंगे एंड देन कैन गेट अवर आंसर. ओके, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे, हम इसी को सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेंगे इन दिस वे. तो ये हमारी वैल्यूज थी, इसमें हमने 4 का डिवाइड कर दिया. रिलेटिव एरर के लिए, इट विल बी द रेशियो. ओके, किसका रेशियो होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन एरर. तो जो हमारे पास यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर है कितनी आई है, 0.042 एंड जो मीन एरर है दैट इज 6.145. तो यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया और यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 0.0065. एंड परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 0.6. Now in the next lecture, we will do the remaining numerical. Till then, bye all. Please take care of yours and please subscribe the channel.